इंदौर के MY अस्पताल में वाल्मीकि समाज के युवाओं ने सेवा भाव का जज्बा दिखाते हुए आज जरूरतमंद मरीजों के लिए 10 बेड और बिस्तर अस्पताल प्रबंधन को भेंट किए हैं। जहां शहर के वाल्मीकि समाज के युवाओं ने कोरोना काल में सभी से एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कहे जाने वाले MY अस्पताल में वाल्मीकि समाज के युवाओं ने जरूरतमंद गरीब लोगों की सेवा के लिए 10 बेड और बिस्तर MY प्रबंधन को भेंट किए, ताकि अस्पताल में पलंग की कमी के चलते किसी असहाय जरूरतमंद मरीज का उपचार न रुक पाए। इस दौरान वाल्मीकि समाज के युवा समाज सेवी सागर नकवाल ने मीडिया के सामने कहा कि हम उस समाज से आते हैं जिसे दबा कुचला समाज कहा जाता है, लेकिन आज वाल्मीकि समाज के युवाओं ने शिक्षित होकर अपने विचार बदले और कल तक जो समाज दूसरों से मांगता था आज वह देना सीख गया है। कोरोना काल में युवाओं ने सेवा भाव का विचार मन में लेकर एकजुट होते हुए MY अस्पताल में वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में 10 पलंग भेंट किए हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बताएं आज क्या है, क्या आयोजन है, क्यों आप यहाँ पर आए हैं? आज वाल्मीकि समाज की तरफ से MY हॉस्पिटल के अंदर वैसा 10 पलंग बेड दान किए गए हैं। आज कोरोना महामारी को देखते हुए सभी युवा साथियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने अपनी भूमिकाएं निभाई महत्वपूर्ण तरीके से, और MY हॉस्पिटल के लिए आज सभी युवाओं ने 10 बेड यहाँ पर दान करने का निर्णय लिया। आज वाल्मीकि समाज ने, हम उस समाज से जिसको दबा कुचला हुआ समझा जाता था, मगर आज इन्होंने शिक्षित होकर और अपने विचार बदल कर आज जो कल तक समाज मानती थी आज उस समाज ने देना सीख लिया है। तो आज शिक्षित होकर आज हम अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं और पूरे समाज को इस चीज़ का श्रेय देते हैं कि आपने हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी, हम लोगों को इस मार्ग पर चलना सिखाया, तो आज हम इस मार्ग पर चल पा रहे हैं। कोरोना को लेकर आप अन्य समाजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि आज सभी लोग अपने जो भी समाज है अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इस महामारी का जो दौर है, इस महामारी में जो एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा आज सभी ओरिजिनल साथी उसी का वही है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने जितने भी लोग हैं सब अपनी योग्यताएँ निभाएँ, और सभी से निवेदन करूँगा कि विशेषकर हॉस्पिटलों में अपनी जो भी भूमिका हो सके, अपनों से जैसा भी हो सके, अपने पूर्ण रूप से योगदान दें। किस तरह से आपके मन में ख्याल आया कि आप ये बेड और यहाँ पर दें, क्या देखा? आज एक ऐसा विषय है कोरोना महामारी का कि कई लोगों को बेड काफ़ी अस्पतालों के अंदर नहीं हो पाए थे, काफ़ी लोग ऐसे दिव्यांगत हो भी गए, शांत भी हो गए काफ़ी लोग, मगर जब युवा साथियों ने ये स्थिति देखी और वाल्मीकि समाज के जितने भी भाई लोग हैं सभी ने ये स्थिति देखी, तो सभी के मन में विचार आया कि आज अपन कुछ ना करते हुए हॉस्पिटल के अंदर 10 बेड दान करें, शायद इससे थोड़ी सी मदद हो पाए हॉस्पिटल की, मगर कुछ ना कुछ तो हो पाएगा, शायद उसके ऊपर पेशेंट आकर सुरक्षित हो पाए। किन किन लोगों का सहयोग रहा इससे? इसके अंदर राहुल जी सिरसिया साहब का सहयोग रहा है, भागचंद जी गौर साहब का सहयोग रहा है, गुरु जी बोहेत साहब का सहयोग रहा है, जीतू जी टाक साहब का रहा है, अमर जी चिंतामन साहब का रहा है, विनय जी भद्रोल साहब का रहा है, सचिन जी खेड़ साहब का रहा है, मुकेश जी नकवाल साहब का रहा है, नारायण जी सिरसिया साहब का सहयोग रहा है, और मेरा स्वयं सागर नकवाल का भी सहयोग रहा है। कहाँ से आपकी संस्था संचालित होती है? हमारी कोई संस्था कोई कुछ नहीं है, सब युवा साथी है, वाल्मीकि समाज की नींव है ये, जो आगे जाके अपनी ओर से और पूरे समाज की ओर से दिन प्रतिदिन अच्छे कार्यों में लगी हुई है। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा नाम सागर नकवाल, वाल्मीकि समाज युवा समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।